हेलो दोस्तों, तो आपने जावा सीख ली है, अब आप सर्च कर रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने का। तो आज से मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की हिंदी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात आती है तो ये सवाल दिमाग में आता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों सीखा जाए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के बाद आप अपनी मनचाही एप्स बना के गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं और उसमें एडसेंस लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे ज्यादा अर्निंग आपको गूगल एडसेंस से प्ले स्टोर पे ही होती है। उसके बाद नंबर आता है यूट्यूब का, फिर ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स का। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गूगल एडसेंस से अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो बात करते हैं कि अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए? देखिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए आप 3 लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं, जो कि है जावा, कोटलिन और फ्लटर। जावा जो कि एक नेटिव लैंग्वेज है, फ्लटर में अगर आप कोड करते हैं तो आप एंड्रॉइड और iOS दोनों ऐप एक साथ बना सकते हैं, और कोटलिन एक नई लैंग्वेज है जिसको गूगल ने अभी अभी एंड्रॉइड के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। तो अब बात आती है कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको जावा सीखनी चाहिए, क्योंकि जावा एक नेटिव लैंग्वेज है और बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। इसका सपोर्ट हर जगह आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप नेट पे एक नॉर्मल सर्च करके उसका जवाब पा सकते हैं। और जहां बात रही फ्लटर और कोटलिन की, तो ये दोनों एक नई लैंग्वेजेस हैं, इसमें अभी बग्स हैं और इस पे अगर आप कहीं फंसते हैं, कहीं दिक्कत आती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेट पे आपको इसका जवाब ना मिले। उस केस में आप इन लैंग्वेजेस के डेवलपर से संपर्क करेंगे और उस बग का रेजोल्यूशन आने में कई दिन या महीने भी लग सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावा को लेके आगे बढ़ें। अगर आपको जावा आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जावा नहीं आती है तो ऑनलाइन बहुत सारे जावा के कोर्सेज हैं, आप कहीं से भी जावा सीख के यहाँ पे आ सकते हैं। और जावा बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। अगर आपको जावा अच्छे से आ गई तो आपको कोटलिन या किसी भी नई लैंग्वेज पे स्विच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर की। आपके पास क्या क्या हार्डवेयर होना चाहिए? सबसे पहला तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें मिनिमम 4 GB रैम हो, अगर 8 GB है तो बहुत ही अच्छा है। वो कंप्यूटर चाहे विंडोज, लिनक्स या मैक हो सकता है। और आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए जिसपे आप एप्स रन करके टेस्ट करके देखेंगे। और इस सीरीज में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। चलिए शुरू करते हैं।